नाजरीन सलामुन अलैकुम। आज हमारे बीच मौजूद है आली जनाब मौलाना मौलवी अथर काजमी साहब, जो कि मनसबिया कॉलेज मेरठ के लेक्चरार हैं। हम उनसे एक टॉपिक पर कुछ बात करना चाहते हैं। मौलाना, वेस्टर्न मीडिया ने ये बात बहुत ज्यादा फैला दी है कि इस्लाम के अंदर महिलाओं की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, महिलाओं को इस्लाम में शिक्षा की इजाज़त नहीं दी गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, मगरबी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो इस बात को फैला रही है, वो यकीन इस्लाम के असली उसूलों से बहुत दूर की बात नहीं। जाहिर है कि उनका हदफ और मकसद यही है कि वो इस्लाम को बदनाम करें, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर ज़माना जुमला है कि जो मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम अफराद की ज़बानों का रहता है, कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म का तलब करना वाजिब है। हालांकि इस जुमले को अगर पूरी तौर पर देखें, पूरे सेंटेंस को देखें, तो जुमला से यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि इससे आगे बढ़ता है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द के ऊपर भी वाजिब है और हर मुसलमान औरत के ऊपर भी वाजिब है। नहीं, इसका मतलब यह है कि इस्लाम ने जितनी ज्यादा अहमियत मर्द के पढ़ने को दी है, उतनी ही ज्यादा अहमियत बगैर किसी फर्क के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर ज़माना जुमला, उतलुबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, इल्म को तलब करो गहवारे से लेकर कब्र तक। कौन हदफ, कौन है, किससे बात कर रहा है इस्लाम? क्या मर्दों से बात कर रहा है? क्या कहा गया, या योर रजुल, ए लोगों, ए मर्दों, या योर रिजाल, उतलुबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, ए मर्दों, इल्म हासिल करो मां की आगोश से कब्र तक, क्या ऐसा कुछ कहा गया? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। इसका मतलब यह है कि इल्म के हुसूल के लिए कुरान मजीद का मशहूर ज़माना जो आया करीमा, कुल हल यस्तविल्लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, बताइए क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हैं? क्या मतलब कि यहां पे सिर्फ कहा गया मर्दों के लिए कि मर्द ही फजीलत रखते हैं इल्म की बुनियाद पर, औरतें फजीलत नहीं? नहीं, इल्म इतना ज्यादा वैल्यूज रखता है कि जितना मर्द के लिए जरूरी है उतना ही औरत के लिए जरूरी है। मगर याद रखिए इस बात को, मुमकिन है, मैं इम्कान के साथ में कह रहा हूं इस बात को, मेरे सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, मुमकिन है कि आप ये कहें इस बात को कि एक मर्द किसी एक लम्हे के लिए जाहिल रह जाए, इस्लाम एक्सेप्ट कर सकता है। माफ कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे सेंटेंस को छोटा समझिएगा, मुमकिन है किसी मर्द के जाहिल रहने को इस्लाम तस्लीम कर ले, लेकिन औरत के जाहिल रहने को कतअन नहीं तस्लीम कर सकता। इसलिए कि एक मर्द का पढ़ना एक मर्द का पढ़ना है, लेकिन एक औरत का पढ़ना पूरी नस्ल का पढ़ना है। जी मौलाना, जब इस्लाम में औरतों को इल्म की इतनी ज्यादा अहमियत है, तो फिर ये वेस्टर्न मीडिया जो है इस तरीके की बातें क्यों फैलाती है? इसमें कुछ चीजें जो ग्रुप्स हैं, चाहे अलकायदा हो, तालिबान हो, ISIS हो, इस किस्म के जितने ग्रुप्स जो वेस्टर्न मीडिया ने बनाए हैं और बनाने के लेकर आए हैं, उसका उनका मकसद ये है ताकि इस्लाम की वैल्यूज को खत्म किया सके, इस्लाम की अवधारों को खत्म किया सके, इस्लाम की जो हकीकी चेहरा है उसको हटाया सके। वरना इस्लाम में इस तरह की कोई जगह नहीं है। इस्लाम बाकायदा मर्द को और औरत को एक सफ में इल्म के एतबार से देखना चाहता है, और वो चाहता है कि इल्म औरतों के पास इतना ज्यादा हो। चूंकि इस्लाम में मर्द और औरत की पहली तालीम की जगह औरत है, माँ की आगोश है, जाहिर है अगर आप इस लफ्ज को यहाँ उतलुबुल इल्म मिनल महद, लफ्ज महद को हटा दें, गहवारे को हटा दें, तो मैं समझता हूँ इल्म का कोई वजूद रह नहीं पाएगा। और ये महद दरहकीकत वो औरत ही है जो एक माँ की शक्ल में हमारे और आपके लिए और पूरी कायनात के लिए इल्म का गहवारा बनके सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना।